मैं हूं आपकी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, क्या आपके बैली में भी एक्स्ट्रा फैट है? आप अपने लटकी हुई बैली से परेशान हैं? बैली के फैट को कम करने के लिए काफी एक्सरसाइजेस भी ट्राई कर चुके एंड रेमेडी भी ट्राई कर चुके, फिर भी आपका बैली फैट कम नहीं हो रहा है? तो गाइस, आज मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ, जिसको फॉलो करने के बाद आपके जो बैली का एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस होने लगेगा। बट ये होगा तब जब आप मेरी इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर फॉलो करेंगे। जब तक आप मेरी इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर फॉलो नहीं करेंगे तो आपके बैली का फैट भी रिड्यूस नहीं होगा। बट ये होगा तब जब आप मेरी इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर फॉलो करेंगे। जब तक आप मेरी इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर फॉलो नहीं करेंगे तो आपके बैली का फैट भी रिड्यूस नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बैली का फैट जल्द से जल्द रिड्यूस होने लगे तो आपको मेरी इन एक्सरसाइजेस को अपने डेली रूटीन में ऐड करना एंड आपको मेरी इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर 14 डेज तक फॉलो करते रहने। इन एक्सरसाइजेस का रिजल्ट भी आपको 14 डेज के अंदर ही दिखना शुरू हो जाएगा। सो अपना टाइम वेस्ट ना करते हम वीडियो की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों हैंड्स के एल्बो को बेंड करके फ्लोर पर रखना है, देन अपने दोनों लेग्स की नी को बेंड करके अपसाइड उठाना है, देन स्ट्रेट करना है। बट अपने दोनों लेग्स को फ्लोर पर नहीं रखना है, फ्लोर के अपसाइड ही रखना है। स्क्वाट 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैट पे लेटना है, देन अपने दोनों लेग्स की नी को बेंड करके फर्स्ट अपने दोनों लेग्स को अपसाइड इनसाइड लाना है, देन डाउन साइड, बट फ्लोर पर नहीं रखना है दोनों लेग्स को। अगेन इन आउट, इसको भी ऑनली 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों हैंड्स के एल्बो को बेंड करके फ्लोर पर रखना है, देन अपने दोनों लेग्स की नी को बेंड करके अपसाइड उठाना है। फर्स्ट आपको अपने राइट लेग को यूज करना है, आपको अपने लेग को टैप करना है फ्लोर पर, देन लेफ्ट, अगेन राइट, अगेन लेफ्ट, इसको ऑनली 15 के 4 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैट पे लेटना है, देन अपने दोनों लेग को स्ट्रेट करना है, देन फर्स्ट अपने दोनों लेग्स को आपको अपसाइड उठाना है, अपसाइड उठा के अपने हिप्स को अपसाइड उठाना है, देन डाउन करके दोनों लेग को स्ट्रेट करना है। बट अपने दोनों लेग्स को फ्लोर पर नहीं रखना है, फ्लोर के अपसाइड ही रखना है। इसको ऑनली 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है, देन अपने लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट फिस्ट पे होल्ड करके अपने राइट हैंड अपर बॉडी को लेफ्ट साइड डाउन करना है। सेम राइट हैंड को राइट वेस्ट पे होल्ड करके लेफ्ट हैंड एंड अपर बॉडी को राइट साइड डाउन करना है। इसको ऑनली 15 के 2 सेट्स करने हैं।
इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स को ओपन करके देन अपने दोनों हैंड्स की एल्बो को बेंड करके दोनों हैंड्स को अपसाइड होल्ड करके रखना है। देन फर्स्ट अपनी अपर बॉडी को एंड अपने दोनों हैंड्स को राइट साइड टर्न करना है, बट आपको अपने दोनों लेग्स को फ्रंट साइड ही रखना है, दोनों लेग्स को यूज नहीं करना है, ना ही आपको दोनों लेग्स के नीचे को बेंड करना है, स्ट्रेट करके रखना है, ओनली अपर बॉडी को यूज करना है। सेम लेफ्ट साइड, इसको भी 15 के टू सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों हैंड्स को अपने हेड के पीछे होल्ड करके रखना है। देन फर्स्ट आपको अपने राइट लेग को यूज करना है, राइट लेग के नी को बेंड करके राइट लेग को अपसाइड उठाना है। देन अपने राइट हैंड के एल्बो से राइट लेग के नी को टच करना है, राइट साइड 15 के टू सेट्स करने हैं। सेम लेफ्ट साइड 15 के टू सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों लेग्स को ओपन करना है एंड जंप भी करना है। दोनों लेग्स को ओपन करके देन दोनों लेग्स को ज्वाइन करना है। लेग्स के साथ आपको अपने हैंड्स को भी यूज करना है। दोनों हैंड्स को फर्स्ट अपसाइड लेके जाना है, देन डाउन साइड लाना है। इसको 15 के टू सेट्स करने हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। गाइस आज जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, आई होप कि आपको मेरी सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को अपने आने वाली किसी भी वीडियो में जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एंड आज जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई है, आपको मेरी एक्सरसाइजेस कैसी लगी एंड इनको करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में यानी कि न्यू एक्सरसाइज के साथ मिलूंगी। अभी के लिए बाय बाय।